नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों आपका कितना भी पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने एग्ज़ाम दिया था, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक आपके पोस्ट ऑफिस पर नहीं पहुँचा है, आपके घर पर नहीं पहुँचा है किसी कारणवश, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था लेकिन आपको अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाया है, आप उसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े सबसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय को स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको न्यू टैब में गूगल में आपको टाइप करना है DigiLocker, ओके DigiLocker टाइप करना है आपको DigiLocker, ओके। जैसे DigiLocker टाइप करेंगे इसकी मेन वेबसाइट आ जाएगी DigiLocker.government.in, इसकी मेन वेबसाइट है, सिंपल से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसकी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ओके। तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, जाके वहां से क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पहुंच जाएंगे, या फिर DigiLocker वेबसाइट आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, DigiLocker का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइन इन का, आप देख सकते हैं कॉर्नर पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, साइन इन साइन अप, ओके। अगर आप पहली बार DigiLocker पे एंट्री किए हैं, मतलब पहली बार DigiLocker ओपन कर रहे हैं, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मेल, यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी चूज करेंगे, आपको फीमेल मेल, ओके। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे 6 डिजिट का आपको एक पिन बनाना पड़ेगा, ओके। आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड नंबर आपको डाल के सिंपल से सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आप पिन डाल के यहाँ पे सिंपल से आपको सबमिट कर देना, ओके। तो जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको सामने एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल से उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पे जो है DigiLocker का पूरा सर्विस पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो मैं आपको जो है आज ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू आल पे क्लिक करना है, ओके। तो व्यू आल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड क्लास मार्कशीट, ओके, 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और यहाँ पे आधार कार्ड। यहाँ पे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, और मेरा ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डाउनलोड हो रहा है, ओके दोस्तों। तो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, और आप डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके देख लेना है मेरा डाउनलोड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को, कितना भी पुराना डाउनलोड आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, कितना नया से नया आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप आसानी से बिना कहीं पे गए, बिना किसी तरह से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।